अगर मेरा कोई दोस्त वादा करे कि वो भी अनुपम जैसा होगा तो मैं भी मरने को तैयार हूँ। मैं सतीश को शायद अली 70 से जानता हूँ और हमारी बड़ी एसोसिएशन रही। पहले तो उन्होंने हमारी फिल्म में सागर में उसमें काम वगैरह किया, उसकी भी कहानियाँ हैं कैसे हुआ क्या हुआ। सतीश के सेंस ऑफ ह्यूमर को सभी लोग जानते हैं, मतलब वो कमरे में एंटर होता तो हर आदमी मुस्कुराने लगता था कि एक आदमी, बावजूद इसके कि उसमें इतना सेंस ऑफ ह्यूमर था। और एक आदमी जो पूरे वक्त हंसाता है ना, वो कभी कभी उसमें डिग्निटी कम हो जाती है। सतीश की डिग्निटी कभी कम नहीं हुई। वाह क्या बात। ये एक बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है कि आप इतने ह्यूमरस हों और डिग्निफाइड हों। लेकिन ये ह्यूमर होता क्या है? ह्यूमर अच्छे वक्तों के लिए थोड़ी है। गाड़ी में जो शौक दर्द होते हैं वो सीमेंटेड रोड्स के लिए थोड़ी होते हैं, वो गड्ढों के लिए होते हैं। वाह। वो पत्थरों के लिए होते हैं कि जिनके ऊपर से गाड़ी गुजरे तो आपको शौक ना लगे। सेंस ऑफ ह्यूमर भी जिंदगी का शौक ऑब्जर्वर है। उसके पीछे एक बहुत सेंसिटिव, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत कंपैशनेट आदमी था जो माफ करना जानता था। लोग जब मर जाते हैं तो धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं जैसे हमने स्कूल कॉलेज में कोई ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखी, याद रह जाती है बस। लेकिन ये कमबख्त आदमी बुलाया नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। जो जो उसे करीब से जानता था उसे आखिरी सांस तक याद रखेगा। लोग भूल जाते हैं, इसे नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू गाइस।